बिजनेसमैन जो होता है ना, वो बिजनेसमैन, सही बिजनेसमैन वो होता है जो कम से कम टाइम अपने कस्टमर को और कम से कम टाइम अपने टीम को दे। समझना मेरी बात को, क्योंकि एक बिजनेस में आने का रीजन ये होता है कि आपके बगैर आपके बिजनेस को आपको चलाना है, आपको उसके अंदर खाली रिस्क लेने का काम आपको करना है। समझना, हम जो लोग अभी जो चीजों के अंदर चैलेंजेस अपने को फेस हो रही है, उसका सबसे बड़ा कारण ये है हम सेल्फ एम्प्लॉय बन गए हैं, हम अभी भी बिजनेसमैन नहीं बने हैं। हम ऐसा सोच रहे हैं कि मैं मेरे बिजनेस को जितना ज्यादा टाइम दूंगा उतना मेरा धंधा बढ़ने वाला है, तो ये गलत फहमी है। कम टाइम देकर भी आप अपने बिजनेस को बड़ा कर सकते हो जब आपके पास सिस्टम और मैनेजमेंट होगा। तो अपनी टीम को आपको दो टाइम देना है, एक सुबह प्लानिंग के लिए और एक शाम को रिपोर्ट के लिए, और दोपहर का टाइम या सुबह का टाइम एक या दो घंटा आप अपने कस्टमर को दे सकते हो। उसके बाद आपको सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आपकी है वो आपके जनरल मैनेजर के ऊपर आपको हैंडओवर करनी है, और आपको वहां से फ्री हो जाना है अपने बिजनेस के फ्यूचर प्लानिंग के लिए और आपके पर्सनल टाइम के लिए। और ये चीज ना होने के कारण हम बहुत सारी चीजों में पीस रहे हैं, पिसिंग 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 वाला चीज हो रहा है फिर, क्योंकि बिजनेस में टाइम दे रहे हैं, बिजनेस में फुल टाइम दे रहे हैं, उसके बाद बिजनेस में भी ग्रोथ नहीं हो रहा है और साथ साथ पर्सनल लाइफ में भी डिस्टर्बेंस आ रहा है। तो बिजनेसमैन लोगों को मुझे ये बताना है, आप अपने जैसे डुप्लीकेट लोगों को तैयार करो जो मार्केट में अवेलेबल है, जिनकी सैलरी ज्यादा से ज्यादा 20,000, ज्यादा से ज्यादा 30,000 या ज्यादा से ज्यादा 40,000 हो सकती है। और ऐसे लोगों को जब आप अपने बिजनेस में लेकर आओगे तो आप अपनी रूटीन लाइफ से फ्री हो पाओगे। और पहले उन लोगों को लाने के लिए जो अपने को चाहिए फंडिंग, तो वो फंडिंग को जनरेट करने के लिए अभी आपको मेहनत करनी है।